गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी इजी पार्टी ग्लैम मेकअप लुक। एंड इस मेकअप लुक को क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने बहुत अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ किया है, सो अगर आप बिगिनर्स भी हैं तो आप इसे बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैंने ऑलरेडी फेस पे स्किन केयर कर लिया है एंड अब मैं अपने फेस पे प्राइमर अप्लाई करूंगी। तो आज मैं ले रही हूँ मेबलिन का फिट मी प्राइमर। प्राइमर हमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, इससे मेकअप बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड फेस पे पोर्स फिल हो जाते हैं तो मेकअप और ज़्यादा स्मूथ लगता है। अब मुझे मेरा फेस थोड़ा सा ड्यूई एंड ग्लोई चाहिए तो मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये हाइलाइटर। ये एक काइंड ऑफ लिक्विड हाइलाइटर है, डो फूट एप्लीकेटर के साथ आता है, ईजिली अप्लाई हो जाता है। एंड अप्लाई करने के बाद मैं फिंगर से इसे ब्लेंड करूँगी क्योंकि फिंगर से बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगता है। यू कैन सी मेरा फेस कितना ज़्यादा ड्यूई एंड ग्लोई लग रहा है। तो मेकअप से पहले अगर आप ये स्टेप यूज करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ज्यादा स्मूथ लगेगा। सो अब मैं अपने फेस पे पैक का फाउंडेशन यूज करूंगी। ये एक बहुत ही अच्छे फिनिश देता है। अगर आपको एक नेचुरल फिनिश का फाउंडेशन चाहिए एंड बिल्डेबल कवरेज चाहिए आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसके दो पंप लिए हैं एंड डॉट डॉट एप्लीकेशन में फेस पे अप्लाई किया है। अब मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लूंगी। सो ये एक प्लूम का ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इससे बिल्कुल भी प्रोडक्ट एब्जॉर्ब नहीं होता है एंड यू कैन सी कितना अच्छा फिनिश दे रहा है एंड इतने ईजिली ब्लेंड हो जाता है कि आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपका बेस स्पेशली बहुत स्मूथ लगता है। इसके बाद मैं यूज करूंगी एक कंसीलर। तो यह है मेबलिन का फिट मी कंसीलर 25 शेड में। इसे मैं अपने अंडर आईज पे और जहां जहां थोड़ी बहुत डार्कनेस है वहां वहां अप्लाई करूंगी एंड उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूंगी। ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है। कभी भी आपकी अंडर आईज में अगर डार्कनेस भी है या फिर अगर आपकी अंडर आईज ड्राई हो जाती है तो ये एक बहुत ही मॉइस्चराइजिंग कंसीलर है, आपको ट्राई करना चाहिए। इसके बाद मैं यूज करूंगी अर्थ रिदम के लिप एंड चेक टिंट। इसे मैं 3-4 ड्रॉप्स अपने फेस पे अप्लाई करूंगी एंड जिस ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया था उसी से ब्लेंड करूंगी। ये बहुत ही नेचुरल फिनिश देता है एंड आजकल मुझे ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं पाउडर ब्लश के अलावा ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करती हूँ जिससे मेकअप और ज़्यादा नेचुरल लगता है। सो अब मैं अपने फेस को सेट करूंगी एक लूज़ पाउडर से। आप चाहें तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट ये लूज़ पाउडर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इससे कभी भी मेरे फेस पे ग्रीजिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है एंड मेकअप भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहता है। अब मैं थोड़ा सा कॉन्टोरिंग करूंगी अपने फेस पे। तो बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा हार्श कॉन्टोरिंग नहीं करती हूं, तो आज मैं यूज़ कर रही हूं निक्स की कॉन्टोरिंग पैलेट। ये बहुत ही अच्छी पैलेट है एंड इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बहुत वर्सटाइल कलर्स हैं, आपको ट्राई करना चाहिए। अब मैं आईब्रोज को फिल करने के लिए स्पूली की हेल्प से पहले ब्रश अप कर लूंगी। फिर ये मैंने किट ली है, ये है मिस क्लेयर की आईब्रो किट। इसे मैं ब्राउन और ब्लैक शेड को मिक्स करूंगी क्योंकि मेरी आईब्रोज पहले से ही बहुत ज्यादा डार्क हैं, इसलिए मैं ज्यादा शेड ब्राउन का चूज करूंगी क्योंकि अगर मैं एग्जैक्ट ब्लैक कलर अप्लाई कर लूंगी तो वो बहुत ज्यादा डार्क लगती हैं। तो इजीली आईब्रोज को फिल करने के बाद अब मैं ये ऑरेंज शेड लूंगी, ये मेरा ट्रांजिशन शेड है। ये जो आई शेडो पैलेट है स्विस ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है इन दी शेड 04 एंड ओनली 199 में आपको मिल जाएगी। ये जो ट्रांजिशन शेड है मैंने एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से लिया है एंड इजीली इसे ब्लेंड करूंगी ताकि मेरा जो आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा स्मोक्ड आउट भी लगे एंड बहुत ही नेचुरल लगे। इसके कलर्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड भी हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। इसे ब्लेंड करने के बाद मैं नेक्स्ट शेड चूज़ करूंगी, ये डार्क ब्राउन शेड एंड इसे मैं आउटर वी में अप्लाई करूंगी। इसे मैं ज़्यादा ब्लेंड नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं इसे ज़्यादा ब्लेंड करूंगी तो मेरा पूरा आई मेकअप बहुत ज़्यादा स्मोकी हो जाएगा, इसीलिए मैं सबसे पहले इसे आउटर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी। दोबारा से थोड़ा थोड़ा कलर पिक करूंगी। अगर आपको कभी भी कलर यूज़ करने हैं तो थोड़ा थोड़ा बिल्ड कीजिए, उससे और ज़्यादा डिफाइंड लगता है। अब मैं इसे इनर कॉर्नर में अप्लाई करूंगी एंड जैसे मैंने आउटर वी में इसे अप्लाई किया है वैसे ही मैं इनर कॉर्नर में भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो अब मैं इसमें से ये ब्राइट ऑरेंज शेड लूंगी एंड मैंने इसे फ्लैट ब्रश पे लिया है, ये एक डेंस फ्लैट ब्रश है एंड डायरेक्टली मैं क्रीज में अप्लाई करूंगी एंड धीरे धीरे ब्लेंड करूंगी। तो यहाँ पे मैं एंड टू लेके इनर तक इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी एंड ब्लेंड करने के बाद मैंने ये सिवाना की आई शेडो पैलेट लिया है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। मैंने इसे अमेजोन से परचेज किया था, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ईजिली आईज पे ब्लेंड हो जाता है, अप्लाई भी हो जाता है, इसीलिए मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है। आप चाहे तो फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं इसमें, आपको बहुत सारे ऐसे कलर्स मिल जाएंगे जो डायरेक्टली आप अपनी आईलिड पे अप्लाई करेंगे तो आपका एक पार्टी आई मेकअप बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा। आप चाहे तो इसकी जगह कोई भी ग्लिटर शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें से ये वाला शिमर शेड अप्लाई करूंगी, ये एक शैम्पेन शिमर शेड है जिसे मैं उसे थोड़ा सा टॉप कर लूंगी। अब मैं लोअर लाइन को फिल करूंगी एंड ये दोनों शेड्स पिक करके अपनी लोअर लाइन फिल कर लूंगी एंड इजीली मेरा जो आई मेकअप है वो इससे कंप्लीट हो जाता है। इसे अप्लाई करने के बाद मैंने आईलैशेस अप्लाई कर ली हैं एंड अब मैं अपने लिप्स पे अप्लाई करूंगी लिपस्टिक।
तो लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे एन वाई बे की लिपस्टिक ली है, बहुत ही अच्छा कलर है, बट मुझे थोड़ा लाइट चाहिए इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का शेड। ये दोनों कलर मिक्स करके बहुत ही अच्छा शेड बन जाता है। अभी ड्राई होने के बाद आप खुद देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्रिटी लगता है। अब मैं अपने फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। वैसे तो हाइलाइटर की नीड नहीं थी बट हाइलाइटर अप्लाई करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लास्ट में आप लुक देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इसे क्रिएट किया है। आई होप आपके लिए आज के वीडियो हेल्पफुल रही हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं अब आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।